एबीसी न्यूज 24 लेकर आया है आपका अपना मंच। मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का टिकट डिक्लेयर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर अधिवक्ताओं को कहीं भी कोई वो नहीं दिया है, तो अधिवक्ताओं में और अधिवक्ता समाज में इसको लेकर काफ़ी रोष है। और आने वाला चुनाव परिणाम अगर इसी तरह से रहा और दूसरी पार्टियां भी इसी तरह से अगर इग्नोर करती है एडवोकेट्स को, तो आने वाला चुनाव परिणाम आपके सामने होगा कि अधिवक्ता इसको लेकर बहुत खिन्न है और उसका परिणाम में आपको उसका पूर्ण हो जाए। वर्तमान सरकार से अधिवक्ताओं के लिए वर्तमान सरकार की जहाँ तक बात है, वर्तमान सरकार से हमारी जब हड़ताल हुई थी तो एक नोटिफिकेशन और वो साइन हुआ है शांति धारीवाल जी विधि मंत्री के द्वारा, जिसमें हमारी मेन मांगी थी कि अधिवक्ताओं का जो एडीजे में भर्ती में 25% कोटा कर दिया गया, उस कोटे को बढ़ाया जाए। दूसरा, स्टाइफंड जो नए आने वाले वकील हैं उनके लिए स्टाइफंड 5,000 से 10,000 रुपये का किया जाए, पेंशन की योजना चालू की जाए, और ये जो पूरे राजस्थान में अधिवक्ता एक जगह से दूसरे जगह पार्टी को न्याय दिलाने के लिए जाता है तो उस पर टोल टैक्स है वो हटवाया जाए, और अधिवक्ताओं के लिए जो भी अच्छी से अच्छी सुविधा है, आवास की सुविधा, ये सुविधा, इन पर लेकर चर्चा हुई थी। और उस पर लेकर उन्होंने एक आश्वासन पत्र भी हमको दिया था और उसमें ये बात थी, भाई लोकसभा चुनाव आ गए हैं, अभी घोषणा नहीं कर सकते, लोकसभा चुनाव के बाद इस बात पर चर्चा करके इसे अतिशीघ्र लागू कर दें। देखिए, हम अधिवक्ताओं में इस बात का कोई रोष नहीं, रोष इस बात का है कि आप सस्ता सुलभ और अच्छा न्याय दिलाना चाह रहे हैं, जहाँ वहाँ आप तहसील स्तर पर कोटे होल्ड हैं, परंतु तहसील स्तर पर अच्छा अधिवक्ता क्लाइंट को नहीं मिल पाता, जिसका खामियाजा क्लाइंट को भुगतना पड़ता है। आज भारत को आज़ाद हुए इतने टाइम हो गए, भारत की आज़ादी से लेके आज तक अधिवक्ता ने कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, हमेशा लिटिगेंट की लड़ाई लड़ी या देश की लड़ाई लड़ी। आज भी वो लिटिगेंट की लड़ाई लड़ रहा है, कोर्ट फीस को लेकर लड़ रहा है, तो लिटिगेंट की लड़ाई है, क्योंकि लिटिगेंट को कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी, अधिवक्ता को नहीं करनी पड़ेगी। इंग्लिश और हिंदी वर्जन को लेकर लड़ रहा है, तो उसमें भी जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ राजस्थान का आदमी है, जो इंग्लिश तो छोड़ो हिंदी भी पूरा नहीं जानता, उससे इंग्लिश में आप गलतनामे और ये साइन कराएंगे तो उसको नुकसान होगा। ऐसी तरह से अगर आप हर जगह छोटी छोटी कोर्टें खोल देंगे तो वहाँ अधिवक्ता तो हर जगह उस लेवल का मिल नहीं पाएगा, तो उसमें लिटिगेंट को बहुत नुकसान होगा। और जो जुडिशरी की मनचाही आते हैं, जैसा वो चाह रहे हैं ऑर्डर करना, वैसा वो ऑर्डर पास करेंगे और उसका खामियाजा कुल मिलाकर लिटिगेंट को भुगतना पड़ेगा। और लिटिगेंट की इस मांग को हम मद्देनजर रखते अधिवक्ता हमेशा संघर्ष कर रहा है। कोर्ट में केसों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कोर्ट में खुल भी रहे, उनकी संख्या नहीं खुल रही। देखिए, आप सही कह रहे हैं, कोर्टों में कोर्टें नहीं खुल रही हैं और कोर्टें, परंतु एक तरफ आप कह रहे हैं कोर्टें नहीं खुल रही है, मैं राजस्थान की जुडिशरी और हायर जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जहाँ राजस्थान हाई कोर्ट में 50 सीटें जजेस की हैं, उसमें से अभी के टाइम पे 24 जजेस रह गए, और 24 जजेस में भी इस टेन्योर में, मतलब 2019 में 5 जजेस रिटायर हुए, 19 जजेस रह जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट के पास डीजेस की लिस्ट गई हुई है और एडवोकेट्स की लिस्ट गई है, तो क्यों नहीं वो उनको लगाते हैं, तो लिटिगेशन तो वैसे कम होगा, लिटिगेशन इस तरह से कम नहीं होगा कि आप एक कोर्ट में आप 250-300 केसों का भार दे देते हैं, कोर्ट सुन नहीं पाती है, लिटिगेशन बढ़ जाता है। आज छोटी सी एप्लीकेशन हम लोग लगाते हैं, उसके लिए जवाब और उसकी अगली तारीख चल जाती है, वो इसीलिए चल जाती है, कोर्ट्स के पास भी टाइम नहीं है कि उतना वर्कलोड है। आप कोर्ट्स को सिस्टमेटिक ढंग से बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तारीखों का खेल जहाँ तक की बात है, ये तो तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख कोर्ट का वो है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना पाऊंगा, क्योंकि जुडिशरी का सवाल है जो आप हमसे पूछें। वकील कभी नहीं चाहता कि उसके लिटिगेंट को परेशान किया जाए उसको तारीख, वकील हमेशा सदैव तैयार है, तत्पर है और हमेशा संघर्षरत रहा, ये जुडिशरी का मुद्दा है, जुडिशरी से आप इस बारे में बात करें। मैं युवा अधिवक्ताओं के लिए कहना चाहूँगा कि युवा अधिवक्ता पहले जिस भी तरह से हैं, एक हम वकालत में आए आज, एक कमाई का जो वो होता है उसको छोड़कर वो सीखने की तरफ पहले जाए। अगर एक अधिवक्ता, मैंने जब वकालत चालू की 2 साल तक हमने हमारी टेबलें और ये सब साफ किए,
लोअर स्टैंडर्ड पे काम किया है, मुंशी तक के काम किए हैं। अगर एक अधिवक्ता, संपूर्ण अधिवक्ता जब ही मन आता है, जब उसको सारे ज्ञान हो, तामील सेक्शन क्या है, तामील कैसे जारी होगी, नया दावा कैसे पेश होगा, तो वो चीज़ें जब अधिवक्ता को आ जाती है तो बाकी कानूनन पढ़ाई है उसको पढ़ाई करके तो कोई भी वो कर सकता है। मेन जो यहाँ बात है कि अधिवक्ताओं को पहले अपने विधिक ज्ञान पर फोकस करना चाहिए। और नए अधिवक्ताओं के लिए आपके माध्यम से मैं शुभकामना देना चाहूँगा, उनका उज्ज्वल भविष्य हो। देखिए, बार एसोसिएशन के पद पे रहते हुए तो नए कार्यों की जहाँ तक बात है, मैं मेरे मुंह से गिनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आप वैसे भी देखें, पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा जयपुर बार एसोसिएशन जिसमें महिलाओं के लिए क्रैच रूम चालू किया गया है, विज रेस्ट रूम। दूसरी बात, हमारी नई 7 मंजिल की बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट हमने चालू करा दी है, अंडरग्राउंड पार्किंग इसी महीने चालू हो रही है, सरस पार्लर हमने चालू कर दिया है, नई कैंटीन, आधुनिक कैंटीन हमने अभी चालू कर दी है, और अभी 3-4 प्रोजेक्ट हमारे बाकी हैं, जैसे 3 शेड का प्रोजेक्ट बाकी है, नए चैम्बर्स का प्रोजेक्ट बाकी है, ग्रीन वैली बनाने का प्रोजेक्ट बाकी है। ये प्रोजेक्ट अभी अंडर प्रोसेस है, अंडर पाइपलाइन है, अगर समय पूरा मिला तो इनको भी पूरा करके देंगे। क्योंकि न्यायालय परिसर में जो भी काम या योजना होगी वो जुडिशरी के माध्यम से ही होगी, रजिस्ट्रार राजस्थान और DJ जयपुर सिटी जयपुर के माध्यम से योजना को वो किया जा सकता है सरकार के साथ मिलकर। तो पहले हम इनको कन्विंस करके इनका प्रपोजल वहाँ भिजवाया जाता है, फिर उस पर दोनों की बात होती है। सीधा अगर राजस्थान गवर्नमेंट भी यहाँ कुछ करना चाहे तो उसके लिए भी उनको DJ जो भी है उनसे, रजिस्ट्रार जनरल से, रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार इस बारे में चर्चा जरूर करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें।